नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है, मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रियाओं को समझने की विभिन्न विधियां मेथड्स बताए हैं उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैक्स वेबर ने कहा है कि प्रत्येक सामाजिक क्रिया, यानी जितनी भी सामाजिक क्रियाएं हैं समाज में होती है, उनका कोई ना कोई अर्थ और साथ ही उनका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। और ये सामाजिक क्रिया का ये जो उद्देश्य है वो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होता है। और समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन इस रूप में करता है कि ये क्रियाएँ दूसरों की क्रियाओं से किस प्रकार प्रभावित होती है। यानी कि समाजशास्त्र में देखा जाता है, जो प्रमुख कार्य है समाजशास्त्र का मैक्स वेबर के अनुसार, वो यह है कि व्यक्ति की जो सामाजिक क्रियाएं हैं वो दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं से किस प्रकार संबंधित है और किस प्रकार उनसे प्रभावित होती है। और मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र जो है वो प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों में घटनाओं का तार्किक विश्लेषण कार्य कारण के आधार पर किया जाता है, किंतु उनका उद्देश्य और अर्थ क्या है ये देखने का प्रयास नहीं किया जाता। और प्राकृतिक विज्ञानों में जीवन रहित घटनाओं और अर्थहीन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जो कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने आप घटित होती है। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके जो निश्चित नियम हैं उनके अनुसार प्राकृतिक घटनाएं अपने आप स्वयं घटित होती हैं और उनका कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं होता। जबकि समाजशास्त्र में घटनाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या की जाती है और साथ ही इसके अंतर्गत उनके उद्देश्यों पर भी विचार किया जाता है। और मैक्स वेबर के अनुसार घटनाओं के अर्थ को समझे बिना उनकी कार्य कारण के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। और इस कारण मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में व्यक्ति और उसकी सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन को सर्वाधिक महत्व दिया है। और इसी कारण मैक्स वेबर के अनुसार जो समाजशास्त्र है वो अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनसे भिन्न होता है, और यही प्रमुख अंतर इन्होंने बताया है। साथ ही मैक्स वेबर ने प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों और समाजशास्त्र के नियमों में भी अंतर किया है। उनके अनुसार प्राकृतिक विज्ञान है उनका जो प्रमुख लक्ष्य है वो है नियमों की खोज करना। यानी कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उनके पीछे क्या नियम है, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत इनका पता लगाने का प्रमुख प्रयास किया जाता है या प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि प्राकृतिक घटनाओं के पीछे कौन कौन से नियम हैं। जबकि जो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो समाजशास्त्रीय जो अध्ययन है उनका जो प्रमुख लक्ष्य है वो है सामाजिक व्यवहारों को समझना और ऐतिहासिक घटनाओं को उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर कार्य कारण को ध्यान में रखकर समझा जाता है। इस प्रकार मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रियाएं हैं या समाजशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है उसमें और प्राकृतिक विज्ञानों में अंतर किया है। अब हम देखते हैं कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए कौन कौन सी विधियां बताई है। इन्होंने जो विधियां बताई है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए, उसमें पहली है बौद्धिक विधि, रैशनल मेथड। इसके अंतर्गत उन विधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनके आधार पर ऐसी सामाजिक क्रियाओं को समझा जाता है जिन्हें समझने के लिए बुद्धि का सहारा
लेना पड़ता है, इनको बौद्धिक विधियाँ मैक्स वेबर ने कहा है। और अब जो बौद्धिक विधियाँ है उसको दो भागों में इन्होंने बांटा है। इसमें फर्स्ट है तर्क आश्रित विधि, लॉजिकल मेथड। इसमें इन्होंने बताया है कि ऐसी सामाजिक क्रियाएं जो कि जिनको समझने के लिए तर्क और विवेक का सहारा लेना पड़ता है, साथ ही जो कार्य कारण संबंधों पर आधारित होती है, उन क्रियाओं को समझने के लिए जिस विधि को अपनाया जाता है उसे तर्क आश्रित विधि कहा जाता है। जैसे कि एक विद्यार्थी, उदाहरण के रूप में हम देखें तो एक विद्यार्थी गणित का अध्ययन, गणित विषय का अध्ययन करके इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसकी यह विधि, उसकी यह क्रिया को हम तर्क के आधार पर समझ सकते हैं। लेकिन उसके स्थान पर यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बजाय वह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसकी इस क्रिया को हम तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते। तो जिन सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए तर्क और विवेक का प्रयोग किया जाता है उनको उसके अंतर उनको तर्क आश्रित विधि के द्वारा समझा जाता है। दूसरी जो विधि है बौद्धिक विधि के अंतर्गत वो है गणित आश्रित विधि, मैथमेटिकल मेथड। इसके अंतर्गत उन विधियों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें गणित के आधार पर समझा जाता है, जैसे कि 5 + 5 = 10 होते हैं तो इसको हम गणित के आधार पर समझ सकते हैं और किसी अन्य आधार पर इसको हम नहीं समझ सकते। अब मैक्स वेबर ने जो अगली विधि बताई है वो है भावात्मक विधि, इमोशनल मेथड। इसके अंतर्गत मनुष्य की जो ऐसी क्रियाएं होती है जिन्हें हम जो कि जिनको केवल हम भावनाओं के आधार पर समझ सकते हैं, यानी कि तर्क और बुद्धि के आधार पर हम इनको नहीं समझ सकते, केवल जो ऐसी कई क्रियाएं जो केवल भावना प्रधान होती है और उनको केवल इमोशंस के आधार पर हम समझ सकते हैं, तो उसके अंतर्गत भावात्मक विधि को काम में लिया जाता है ऐसी क्रियाओं को समझने के लिए। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें कि मान लीजिए कोई अपराधी है और अपराधी बनकर वह विभिन्न प्रकार के अपराध कार्य करता है तो उसकी इस क्रिया को समझने के लिए भावात्मक विधि का हमें सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें उन भावनाओं का पता लगाना पड़ेगा जिनकी वजह से वह एक अपराधी बना है और अपराध कार्यों में संलग्न रहता है। अब मैक्स वेबर ने भावात्मक विधि को भी दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है प्रत्यक्ष अवलोकन विधि, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके अंतर्गत उन कई जो सामाजिक क्रियाएं होती है उन्हें हम प्रत्यक्ष यानी कि अपनी आंखों के द्वारा उनको देखकर समझ सकते हैं, अवलोकन के द्वारा हम उसे सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा हम उन क्रियाओं को समझ सकते हैं। जैसे कि किसी मैच के अंतर्गत खिलाड़ियों की जो टीम है वो जीतती है या विजय प्राप्त करती है तो उनकी इस विजय की जो सामाजिक क्रिया है, जीत की जो सामाजिक क्रिया है उसको हम उनके मैच से पूर्व यानी खेलने से पूर्व जो टीम के द्वारा जो तैयारी की गई है, जो मेहनत की गई है उसको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस टीम ने बहुत मेहनत की है, कठिन परिश्रम किया है और इसी कारण इसको मैच के अंतर्गत, खेल के अंतर्गत जीत प्राप्त हुई है, विजय प्राप्त हुई है। यानी कि हम डायरेक्ट देखकर, प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा देखकर हम सामाजिक क्रियाओं को इसके अंतर्गत समझ सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्ष अवलोकन विधि के द्वारा जो प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है आदि क्रियाओं को भी हम समझ सकते हैं और उनके जो उद्देश्य हैं और प्रयोजन है उनका हम पता लगा सकते हैं। अगली जो विधि है भावात्मक विधि के अंतर्गत वो है व्याख्यात्मक विधि, एक्सप्लेनेटरी मेथड।
इसके अंतर्गत कुछ क्रियाएं ऐसी होती है समाज में, सामाजिक क्रियाएं ऐसी होती है जिनको हम डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा देखकर उनको या सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा हम नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें उनकी व्याख्या करनी आवश्यक होती है, यानी कि व्यक्ति कोई भी क्रिया क्यों करता है और उस क्रिया के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, इसका हमें पता लगाना होता है। और जब भी हम उस विशेष क्रिया को तभी समझ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें तो एक विद्यार्थी के द्वारा कठिन परिश्रम करने पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह एक तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है और साथ ही भविष्य में कोई उच्च पद प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार जो व्याख्यात्मक विधि है उसके अंतर्गत क्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक है, विभिन्न कारक है, उनकी व्याख्या की जाती है और साथ ही उनका विश्लेषण किया जाता है, कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है और उसके आधार पर सामाजिक क्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रियाएं होती है समाज में उनको समझने के लिए दो प्रमुख विधियां बताई है, बौद्धिक विधि रैशनल मेथड और भावात्मक विधि इमोशनल मेथड। बौद्धिक विधि को दो भागों में बांटा है, तर्क आश्रित विधि लॉजिकल मेथड और गणित आश्रित विधि मैथमेटिकल मेथड। और भावात्मक विधि को भी फिर इन्होंने दो भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, और दूसरा है व्याख्यात्मक विधि एक्सप्लेनेटरी मेथड। यानी इन विधियों के आधार पर हम समाज में जो सामाजिक क्रियाएं होती है जितनी भी, उनको इन विधियों के आधार पर हम समझ सकते हैं, उनकी क्रियाविधि को समझ सकते हैं कि किस प्रकार वो सामाजिक क्रियाएं समाज में होती है।